नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस आपका इस चैनल पे। दोस्तों, NICL AO मतलब न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट है 2021 का, उसका शॉर्ट नोटिस अभी आज ही मतलब किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। सो दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट मोस्ट अवेटेड रिक्रूटमेंट था। 3 साल से ये रिक्रूटमेंट नहीं आया था, 2018 में आया था। सो प्राइवेटाइजेशन की वजह से ये रिक्रूटमेंट डिले हुआ था। 300 वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन था, जो रिक्रूटमेंट था, वो कब से पेंडिंग था यूनियन की तरफ से, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन की जो चर्चाएं थी उसी की वजह से ये डिले हो गया था। और फाइनली ये जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे मतलब डाउट्स भी रहेंगे लोगों को कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और जो शॉर्ट नोटिस है वो नोटिस कौन सी है वो भी यहाँ पे हम क्विकली देखेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो नोटिस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू इंडिया एश्योरेंस का यहाँ पे दिया है अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनरलिस्ट क्या कहा गया है, और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इनमें से किसी भी एक में आपको 60% चाहिए मिनिमम। जो है 60% वो ओवरऑल 60% मतलब चार सेमिस्टर हो तो उनका सबका एवरेज निकाल के 60% आना चाहिए। और वैकेंसीज जो है 300, उसमें 46 वैकेंसीज आपकी SC की है, 22 ST की है, 81 OBC की है, 30 EWS की है, PWD कैंडिडेट्स के लिए वो 17 है, और लगभग 100 वैकेंसीज जो है वो जनरलिस्ट की है, मतलब ओपन की, UR की जिसे हम कहेंगे, ये 100 वैकेंसीज यहाँ पे है। एज दिया है मिनिमम 21, मैक्सिमम 30, उसके बाद रिलैक्सेशन भी आएगा। और ग्रॉस इमोलुमेंट्स जो है इन मेट्रोज वो 60,000 पर मंथ है। इनका वेज रिविजन अभी तक हुआ नहीं है, इसी की वजह से ये जो सैलरी है आपको ये कम दिख रही है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक LIC, जिसमें AO, AO की सैलरी वेज रिविजन के बाद जो इंक्रीज हो गई है। इसके बाद दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है 1st to 21st September 2021 में, जो नोटिफिकेशन आएगा आपका डिटेल नोटिफिकेशन वो जल्द ही newindia.co.in पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन मोस्ट अवेटेड। तो दोस्तों, इसके साथ साथ जो मैंने सुना था कि 600 असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन पेंडिंग था, इसके साथ साथ वो भी जल्द ही आ सकता है। यदि न्यू AO का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है तो इसका मतलब हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है, जो मैंने सुना था असिस्टेंट, जैसे हम न्यू इंडिया एश्योरेंस असिस्टेंट, उनका भी जो रिक्रूटमेंट था दोस्तों वो 2018 में होता और तब भी वैकेंसीज लगभग 600 वैकेंसी, तो इस बार भी वो 600 वैकेंसीज हमने एक्सपेक्ट की है, सुना है मतलब, वो भी अभी रिलीज़ हो सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं क्या इसको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए? अप्लाई इसलिए करना चाहिए दोस्तों कि एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो प्राइवेट होने वाली हो चाहे वो पब्लिक रहेगी, इसमें आपको मतलब देखना नहीं है। क्योंकि क्या है, एक अच्छी लेवल की जॉब प्राइवेट भी होती है तो आपका जो जॉब है वो सिक्योर रहेगा, ना ही आपको कोई निकालेगा। क्योंकि एक आप नए जनरेशन के मतलब नई जनरेशन होगी तो उनको डेफिनेटली वो रिटेन ही करेंगे। यदि किसी एम्प्लॉयज़ को यहाँ से निकाला जाता है तो लगभग वो जब रिटायरमेंट के वक्त आने वाले जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको ही शायद निकाला जा सकता है यदि प्राइवेटाइजेशन होता है। दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन की वजह से ऐसा नहीं कि हर बंदे का जॉब चला जाएगा, कुछ चेंजेस आएंगी, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होती है, जो जॉब परफॉर्मेंस होता है उस पर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो सब कुछ खत्म। अब आप ये भी, आपको यदि पता नहीं हो तो आप ये भी एग्जांपल देता हूँ आपको कि SBI में भी गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी वो 55% ही है। इसका मतलब ये नहीं कि SBI में बहुत बड़ा चेंज आ गया, SBI डूब गई, SBI ने बहुत बड़े एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ पे भी सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, इनमें कुछ प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कुछ प्राइवेट पार्टीज़ की नज़रिया से इस कंपनी का जो ग्रोथ होगा वो देखा जाएगा। एक प्रॉफिटेबल कंपनी है तो आपको इस जॉब को अप्लाई करना चाहिए, अच्छी सैलरी है, वैसे उसके साथ साथ आप क्लास 1 में हो, मतलब इस ये जो पोस्ट है क्लास 1 पोस्ट है, इसलिए आपको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है ये इंश्योरेंस सेक्टर में। क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए? यदि आप ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपको ये PSU में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये PSU है, बाद में प्राइवेट होगा। यदि आप कोर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो तो आपको यहाँ पे PSU में जाने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप ऑलरेडी क्लास 2 या क्लास 1 तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। मतलब इसका मतलब क्या है, जितने भी कैंडिडेट्स अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए उन सभी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। मेरे ख्याल से सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए क्योंकि एक बहुत अच्छा जॉब है। क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे न्यू इंडिया असिस्टेंट NICL 2018 में असिस्टेंट था, मैंने ऑलरेडी उसको 2020 में छोड़ के LIC ज्वाइन किया, तो
जब मैं था तो मुझे पता है कि NSL AO की ड्यूटीज़ क्या होती है, उनका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसी के हिसाब से यदि बात करते हैं दोस्तों, तो मुंबई जैसे सिटीज़ में वहाँ पे आपको लीज भी मिलता है, अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलती है, तो ये एक अच्छा लेवल का जॉब है, आपको ये डेफिनेटली अप्लाई करना ही चाहिए। और कॉम्पिटेटिव को जो बंदा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो तो घर बैठ के क्या करेंगे, आपको सिलेक्शन चाहिए, एक हाई प्रोफाइल जॉब है, तो आपको डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, मेरी राय है। और मैं जो भी बंदा मुझे ये बात पूछेगा तो मैं उसे को यही कहूँगा कि जी हाँ, आपको इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना ही चाहिए। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब हम उसके साथ साथ वर्क प्रोफाइल, उसका जॉब प्रोफाइल, उसके रिक्रूटमेंट क्या, उसका प्रोबेशन पीरियड क्या होगा, उसका ट्रेनिंग क्या होगा, सब कुछ बारे में डिस्कस करेंगे। और जल्द ही हम आज से धीरे धीरे अब वीडियोज़ डालना भी स्टार्ट कर रहे, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन इस रिक्रूटमेंट की वजह से एक बूस्ट मिल सकता है हमें और आपको भी, कि जो कुछ भी वीडियोस आएंगी और डेफिनेटली अब रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होंगी, आने वाली EPFO AO की एग्ज़ाम है 5 सितंबर को, उसके बाद NABARD ग्रेड ए की एग्ज़ाम है, उनके रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पर डेफिनेटली अपलोड किए जाएंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड हैव ब्राइट फ्यूचर अहेड, गुड बाय।